हेलो दोस्तों, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपका जियो, एयरटेल या वोडा आइडिया का इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो जाता होगा या एकदम चलता ही नहीं होगा। ऐसा नॉर्मली शाम के टाइम होता है, शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं और लोड के कारण नेट बहुत स्लो हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस पीक टाइम में भी फास्ट इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं। जिस वक्त आपके दोस्त का मोबाइल का नेट स्लो चलेगा, आपका फास्ट चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जियो की बात करते हैं कि इसमें स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो जियो में 3 बैंड्स होते हैं जिस पर 4G ऑपरेट होता है, बैंड 3, बैंड 5 और बैंड 40। बैंड 5 850 MHz पे होता है और इसका नेट स्लो होता है पर नेटवर्क स्ट्रांग होता है। बैंड 3 1800 MHz पे होता है और इसका स्पीड और कवरेज दोनों मीडियम होता है। और बैंड 40 23 MHz पे इसका कवरेज वीक होता है पर इसका इंटरनेट बहुत फास्ट होता है। तो बैंड 40 का इंटरनेट सबसे फास्ट होता है, इसलिए मोबाइल सब में प्रोग्राम किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे ये 2300 MHz यानी बैंड 40 पर बना रहे, क्योंकि ये फास्ट है। पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब सभी मोबाइल बैंड 40 पे ही कनेक्टेड होते हैं तो बैंड 40 पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नेट स्लो हो जाता है। पर इस वजह से बैंड 3 और बैंड 5 जो है वो बैंड 40 के मुकाबले खाली ही रहते हैं और उन पर ज़्यादा लोड नहीं होता। तो स्पीड बढ़ाने के लिए यही तरीका है कि आप बैंड चेंज कर सकते हैं। जब सभी लोग बैंड 40 पे हो तो आप बैंड 3 पर चले जाएंगे तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी ही। तो मैं आपको जियो पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा फ़ोन अभी जियो पे बैंड 40 यानी 23 MHz पे है और रात के 10 बज रहे हैं और इंटरनेट का हाल बहुत बुरा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है। और मैं यूट्यूब सब भी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से चल रहा है, लोड भी नहीं हो पा रहा कुछ भी। तो अब मैं बैंड चेंज करूँगा। तो दोस्तों, मीडियाटेक प्रोसेसर वाले फ़ोन में बैंड चेंज करना बहुत आसान है। अगर आपका भी मीडियाटेक वाला फ़ोन है तो बस डायल करें *#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 #*#*#*##*#*#*##*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 
एंड मोड पर क्लिक करें, फिर जिसमें सिम कार्ड है वो सिम को सेलेक्ट करें। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी सारे बैंड पर टिक लगा हुआ है, जियो में बैंड 3, 5 और 40 पे भी। तो अब मैं बैंड 40 को अनटिक कर दूंगा क्योंकि ये स्लो है। और अब एक एक करके बैंड 3 और बैंड 5 को टेस्ट करते हैं। पहले मैंने बैंड 3 को सेट किया और अब स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे 4 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है। सोचिए, अभी 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था और अब 4 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब YouTube सब भी आराम से चल सकता है और इस स्पीड में तो आप 720p क्वालिटी पे भी YouTube वीडियो चला सकते हैं। इस वक्त सबका जियो स्लो चल रहा है पर आपका फास्ट चलेगा क्योंकि आपने बैंड चेंज कर लिया है। और अब बैंड 5 को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं बैंड 3 को हटा के बैंड 5 सेलेक्ट कर लिया, तो अब स्पीड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी बैंड 5 850 मेगाहर्ट्ज़ पे ज़्यादा स्पीड नहीं है, तो अभी के लिए फ़िलहाल बैंड 3 बेस्ट है। वैसे मेरे एक्सपीरियंस में बैंड 5 का अपलोड स्पीड बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर आप अपलोड करते हैं कुछ तो उसके लिए बैंड 5 बेहतर है। तो आप भी अपने एरिया में तीनों बैंड चेक कर लें और जो सबसे फास्ट हो वो सेलेक्ट कर लें। मेरे एरिया में तो बैंड 3 फास्ट है। तो दोस्तों, ये था मीडियाटेक में बैंड चेंज करने का तरीका। अब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फ़ोन में इस तरह से बैंड चेंज करना आसान नहीं है क्योंकि क्वालकॉम ने ये डिसेबल करके रखा हुआ है। सिर्फ फ़ोन रूट करके ही आप ये फीचर पा सकते हैं। तो अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो नेटवर्क सिग्नल गुरु ऐप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर में वांट के आइकन पे क्लिक करें, फिर सेलेक्ट करें बैंड लॉकिंग, फिर LTE और वहाँ से आप जो चाहें बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो दुखी ना हो, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में कैरियर एग्रीगेशन का अच्छा सपोर्ट है तो आपको बिना बैंड चेंज किए ही आपको अच्छा स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि कैरियर एग्रीगेशन में मोबाइल खुद से ही 2 या 3 बैंड को एक साथ कनेक्ट करके आपको ज़्यादा स्पीड देता है, तो आपको बैंड चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। तो कैरियर एग्रीगेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो ऊपर में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप कैरियर एग्रीगेशन के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। अब दोस्तों, एक्जिनोस वाले सैमसंग फ़ोन की बात करें तो आप प्ले स्टोर से क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड कर लें और उसमें सर्च करें हिडन नेटवर्क सेटिंग, उसे खोलें तो वहाँ पर आपको बैंड सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप बैंड चेंज कर सकते हैं। हालाँकि ये तरीका सभी सैमसंग मोबाइल में काम नहीं करता है, तो आप चेक कर लें। अब दोस्तों, मैं आपको एयरटेल पर भी आपको ये टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो एयरटेल में यहाँ 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज़ पर 4G है। तो आप देख सकते हैं कि 2100 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ पर यहाँ एयरटेल स्लो है, पर 18 मेगाहर्ट्ज़ पर तूफानी स्पीड चल रहा है। इसी तरह वोडाफोन आइडिया में भी आप बैंड 3, 40 और 41 पर चेक कर सकते हैं।
तो आप भी अपनी जगह के हिसाब से बैंड सेलेक्ट करके आप अपने नेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।